इसी में आप एक चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ एक ऐसी डिजीज आ सकती है जैसे आपके वुलियापल एफिड आ सकता है, आपके कैंकर की अगर प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप आफ्टर हार्वेस्टिंग जब भी आप स्प्रे करते हैं, पीयर में करते हैं, सेम में करते हैं, तो या तो मेनली आप ब्लाइट टॉक्स करते हैं, या आप चूना और नीला थोता का मिक्सचर आप बना के स्प्रे कर सकते हैं। इस साल जैसे कि इन्फेक्शन बहुत था, एंथ्राकनोस बहुत आया, आपके ब्लाइट, लेट ब्लाइट आई आपके, नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच आया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कॉपर बेस्ड फंगेसाइड की आवश्यकता पड़ेगी, और ये बहुत अच्छा काम करेगा और आने वाले साल के लिए भी आपको फ़ायदा देगा और बीमारी को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, आपको पोस्ट हार्वेस्ट भी मैं इसके साथ साथ क्लियर कर देता हूँ आपको, तो पोस्ट हार्वेस्ट में आपके पास सॉइल में डालने के लिए NPK, और स्प्रे में जब भी आप स्प्रे करें तो कोशिश ये करें कि जो आपका इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे वुलियाफिड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वुलियाफिड को, वुलियापल एफिड की जो इंसेक्टिसाइड आप करेंगे उसको आप सिंगल करें स्प्रे, मिक्सचर करने की कोशिश ना करें, खासतौर पर न्यूट्रिशन के साथ, वो न्यूट्रिशन की एफिशिएंसी को घटा देगा आपकी, और इंसेक्टिसाइड को आप अलग करें अगर आपके वुलियापल एफिड है। अगर आपके वुलियाफिड नहीं है तो आपको कॉपर बेस्ड फंगिसाइड की आवश्यकता है, UPL कंपनी का कुप्रोफिक्स भी आता है, ब्लाइटॉक्स आप कट ब्रांड नेम से आप सभी लोग जानते हैं, या चूना और नीला थोता, तो नीला थोता जो आप क्रिस्टल वाला, आप उसमें 1.5 किलो अनभुजा हुआ चूना आप उसके अंदर डालेंगे सफेद, आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब भी आप न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें आपको जिंक की स्प्रे कर सकते हैं आप, बोरॉन की कर सकते हैं और मैग्नीशियम की कर सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है पोस्ट हार्वेस्ट में, जैसे आप कॉम्बी में डालते हैं, बहुत सारे लोग बड बिल्डर नाम से बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, अब बड बिल्डर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अगले सीजन के लिए, आपकी तैयारियाँ, चाहे वो स्टोन फ्रूट में है, चाहे वो पियर में है, चाहे वो एप्पल में है, जिस भी बागवान के पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके क्रॉप बहुत ही कम थी, साल बहुत ही कम क्रॉप थी, तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को आप अवॉइड कर सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं इसको, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस साल की बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पौधों का नुकसान हो गया, स्लाइड हो गया, लीफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ गया, फ्रूट का साइज़ नहीं बन पाया, और जब ये सारी प्रॉब्लम आ गई है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो कि बहुत अच्छी भी हुई है। आप देखेंगे जो आपका ऑर्चर्ड है वो रिवाइव हो चुका है, जिस पौधे में कभी ग्रोथ नहीं आती थी वो इस वर्ष आपने देखा होगा, पूरे बगीचे भरपूर हो चुके हैं इस बार, और हम देखते हैं कि हम कितनी एडवर्स कंडीशन में बागवानी करते हैं, हमारे पास पानी का प्रावधान नहीं है, समय मतलब एट उस टाइम तो एटलीस्ट तब नहीं है जब हमारे को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पानी का महत्व आप इस साल समझ गए होंगे कि अगर आपके पास सही मॉइस्चर है, चलो इस साल तो एक्सेस मॉइस्चर था, सही मॉइस्चर और समय पर मॉइस्चर है, तो आप देखिए कि भाई वेजिटेशन कितनी अच्छी आती है बगीचे के अंदर। मैं अपने बगीचे में देख रहा हूँ बहुत ही शानदार हो चुका है बगीचा, खासतौर पर न्यू प्लांटेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है, इसीलिए आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जिन बागवान साथियों के ऑलरेडी सॉइल टेस्टिंग हुई है, आप लोगों के सॉइल में न्यूट्रिशन NPK माइक्रो मैक्रो सारे न्यूट्रिशन एक्सेस है, तो अब आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जीवामृत, ये सारी चीज़ें आप अपने बगीचे में डाल सकते हैं। मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया मैं पहले भी डाल चुका हूँ, अब बीच में जैसे ही मुझे समय मिलेगा कुछ दिनों के अंदर, तो मैं फिर से मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया अपनी सॉइल में ऐड करने की कोशिश करूंगा। और इस साल जो मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा अपने सॉइल में, जैसे कि आपको पता ही है मेरी सॉइल रिपोर्ट के अनुसार मेरे पास सिर्फ नाइट्रोजन की कमी थी, बाकी सारा कुछ बहुत बढ़िया था, एक्सेस था बल्कि, तो लगभग 2-3 साल से केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड है फिलहाल मेरे बगीचे से, सिर्फ सिवाय नाइट्रोजन के। मैं नाइट्रोजन
कैल्शियम नाइट्रेट आपका 40% 60% यूरिया मिक्स करके अप्लाई कर रहा हूँ। मैं पिछले साल पोस्ट हार्वेस्ट में डाला था, इस साल बड ब्रस्ट के वक्त डाला था, फिर आफ्टर सेटिंग मैंने एक डोज डाला था तीन एप्लीकेशन में। और मुझे अब ये लग रहा कि पूरे बगीचे में ना नाइट्रोजन की कमी है ना दूसरे अन्य पोषक तत्वों की कमी है। तो जो ये पोषक तत्व होते हैं या जो हमारे पोटाश है, सुपर है, नाइट्रोजन है, ये ऑलरेडी सॉइल में फिक्स होती है हमारे। अब इसको ऊपर से हम कैसे अपटेक करवाएंगे, तो वो मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो आपको मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आपका पीएसपी आता है, पोटाश के लिए आता है, सुपर के लिए आता है, नाइट्रोजन के लिए मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं। तो जैसे ही आप उसको वो फिक्स हो चुके हैं, वो एक्टिव नहीं है, जैसे आप उसमें मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ऐड करेंगे सॉइल में, तो वैसे ही वो अपटेक हो जाएगा। वो जैसे ही हमारा सॉइल में ऐड होगा वैसे वो अपटेक होगा। और एक चीज मैं आपको बागवान साथियों बता दूं, लगभग आप दिसंबर के महीने में जिंक सल्फेट की भी आप स्प्रे कर सकते हैं सिंगल, अगले साल आपके जल्दी फ्लावर आने में वो हेल्प करेगा। ध्यान रखिए, ये जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है ये सबसे ही अति आवश्यक पहलू है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक आपके परिवार में एक प्रेग्नेंट लेडी से। आप देखिए कि हम उसकी केयर पहले करते हैं, फिर वो बच्चे को पैदा करती है वो लेडी, उसके बाद जब उसका बच्चा हो जाता है तो सबसे ज़्यादा ख्याल हम वहाँ रखते हैं जच्चा और बच्चा दोनों का। तो जो माँ होती है उसकी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है बच्चे पैदा करने में, वैसे ही ये जो पौधे है ये हमारी माँ है और इसके ऊपर लगे हुए फल हमारे बच्चे। तो और उस माँ से आपने बच्चे को प्लग कर दिया, सारे न्यूट्रिशन आपने तोड़ दिए और उसको मार्केट में सेल कर दिया, इसके बाद प्लांट हमारा शॉक में चला जाता है। तो उस शॉक की रिकवरी के लिए हमारे को न्यूट्रिशन देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जो वुलियपल एपिड है उसके लिए आपको क्लोरोफोरिफॉस आप कर सकते हैं, जिसको आप डर्मेट के नाम से भी जानते हैं, थायोमेथोक्सोम आप कर सकते हैं, आप देखेंगे लिक्विड में भी आता है, ग्रेनुलर में भी आता है, उसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्योंकि सारा वुलियपल एफिड अभी टॉप तक चला जाएगा और उसको कंट्रोल करना सबसे आसान अभी है। और सारा बढ़िया तरीके से पौधा आपका भीगना चाहिए जिससे वो सारा का सारा खत्म हो जाए।